बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह हमने पहले महाना इम्तहान की डेट शीट व्हाट्सएप ग्रुप्स में तकसीम कर दी थी, और इस सिलसिले में कुछ बातें गोशगुजार करना चाहता हूं, जो कि उम्मीद है आप सब लोगों के लिए बहुत मुफीद होंगी। बच्चों को पेपर देने के लिए स्कूल आना पड़ेगा, और पेपर ज़ीरो पीरियड में लिया जाएगा। ज़ीरो पीरियड 7 बजे से लेके तकरीबन 8:10 8:15 तक चलेंगे। इसके बाद बच्चे अपने टाइम टेबल के मुताबिक 6 पीरियड पढ़ेंगे। टीचर्स अपने पीरियड्स में नए टॉपिक भी पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो नए नेक्स्ट डे या एक दिन के बाद आने वाला जो पेपर होगा, उसके लिए टीचर रिवीजन भी करवाएंगे। अगर किसी दिन 2 पेपर हुए तो दूसरा पेपर जो है वो तकरीबन 11 बजे शुरू होगा और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन 2 पेपर हैं उस दिन बच्चों को पेपर दूसरे पेपर की तैयारी के लिए मुनासिब टाइम दिया जाएगा, और टीचर जो हैं वो बच्चों को हेल्प भी करेंगे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो सारे बच्चे जो स्कूल ट्रांसपोर्ट पे आते रहे हैं उनके लिए बसें चलाई जाएंगी, और बच्चे जो हैं वो स्कूल बस पे आएंगे, और जो वालदैन अपने बच्चों को अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे ड्रॉप करते रहें या लेते रहें वो उसी तरह अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। वालदैन बच्चों को 12 बजे के बाद पिक कर सकते हैं, और स्कूल ट्रांसपोर्ट अपने टाइम पे तकरीबन 12:10 पे 12:15 पे चला करेगी। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि बच्चों को हेल्प करें कि वो इम्तहान की तैयारी करें, क्योंकि ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और फर्स्ट टर्म में ये इनका 25% परसेंटेज होगी, वेटेज होगी। सो इसलिए इन पेपर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों के ओवरऑल ग्रेड जो हैं वो मुतासर ना हों। उम्मीद है कि मैंने तकरीबन तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेट शीट फॉर फर्स्ट मिड टर्म असेसमेंट। इन दिस रिगार्ड आई वांट टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेल टाइमिंग, वी विल स्टार्ट अवर डे एट 7 o'clock एंड द लास्ट पीरियड विल एंड एट 12 o'clock। सो स्कूल टाइमिंग विल बी 7 to 12। पेपर विल स्टार्ट एट अराउंड 7:10 7:15। सो इन द बिगनिंग ऑफ द डे वी विल हैव अ ज़ीरो पीरियड टिल 8:15। फ्राम 7 टिल 8:15 वी विल हैव ज़ीरो पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल ट्राई टू कंडक्ट आवर फर्स्ट पेपर। सो आफ्टर दैट देर विल बी 6 पीरियड्स। सो नॉर्मल बेल टाइमिंग और नॉर्मल टाइम टेबल विल बी ऑब्जर्व्ड। स्टूडेंट्स will have to bring school bags, their notebooks, at the same time all necessary stationery items, so that after they finish their exam around 8:15, after that they can attend their classes regular. Besides this, if there are 2 papers in a day, so second paper will be conducted during last 2 periods. So we can assume the last paper will start around at 11 and it will end at 12. So if there is 1 paper, it will be conducted in the morning from 7 to 8:15. If there are 2 papers, second paper will be conducted from 11 to 12. Parents will be allowed to pick their children after 12 o'clock. Now about the transport. School transport will run as usual for those who have already availed this facility. So transport will be available for the students. Other than this, the students should come to school fully prepared, because this assessment will have weightage of 25% for the first term and 12.5% for the whole year. So we all have to take this examination very seriously. I request all the parents and the students to work hard to prepare well for the assessment. For this examination we will not conduct any oral exam, or no practical will be conducted. As you can see in the date sheet,
वन डे स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कम टू द स्कूल फिजिकली टू अपियर इन द एग्जामिनेशन एंड द नेक्स्ट डे दे विल हैव एन ऑफ डे. व्हेन देयर इज एन ऑफ डे स्टूडेंट्स विल अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल बिकॉज टीचर्स विल ट्राई टू रिवाइज द सिलेबस एट द सेम टाइम दे विल ट्राई टू कवर न्यू सिलेबस एज वेल. सो टीचिंग प्लान वुड बी whether students come to school for to attend physical classes or the online classes, teachers will try to revise for the next paper. At the same time, we will have to cover the syllabus of the new topics. Therefore, attendance of the class during online classes is also very important. That's all from my side. I hope I have covered all the main points. Allah Hafiz.